विष्णु जी के 24 अवतार हैं, विष्णु जी के और शंकर जी के 52, 11 तो रुद्र हैं उनके, शंकर जी के ये 52 भैरव, ये शंकर जी के ही 52 अवतार हैं। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां शंकर जी भी प्रकट हुए। इसलिए आप किसी भी शक्ति पीठ में जाइए, आपको भैरव की मूर्ति जरूर, बोलो हाँ, सती के शरीर के जहां जहां टुकड़े गिरते गए वहां वहां शक्ति पीठ बनते गए। जहां चरण गिरे वहां चिंतपूर्णी नाम से विराजमान हुई। जहां चरण गिरे वहां बोलो चिंतपूर्णी, जहां पर केश गिरे वहां कालिका, जहां वज्र गिरा रीढ़ की हड्डी वहां वज्रेश्वरी, जहां पर नैन गिरे वहां, लेकिन ये नैना देवी तुम्हारे वाली नहीं है, हिमाचल वाली नहीं, शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। वो जो नैना देवी कही गई है वो नैनीताल उत्तराखंड में जो नैन गिरे वहां का वर्णन है। ये जो नैना देवी है ये तो नैना नाम का एक माँ भगवती का गुज्जर भक्त था, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, माँ ने उसको दर्शन दिया था, उसी के नाम से विराजमान हो गई थी, इसलिए नाम क्या पड़ा नैना देवी नाम पड़ा। अनेक स्थानों पर माता जी के शरीर के टुकड़े गिरे और वहां वहां पर माता जी के साथ में भगवान भैरव भी प्रकट हुए। आपको पता है आप अमरनाथ में आए हैं, ये भी एक शक्ति पीठ है, ये भी एक बोलो ना माता जी की रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा यहाँ गिरा था। यहाँ के भैरव का नाम है अमरेश्वर, यहाँ के भैरव का नाम क्या है बोलो अमरेश्वर, भैरव का नाम क्या है अमरेश्वर का ही नाम बदल करके आज आप जिनको जानते हैं अमरनाथ जी के नाम से। किनके नाम से बोलिए अमरनाथ भगवान। ये शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। आप चाहें तो श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा पूरी विस्तार से पढ़ सकते हैं। 52 शक्ति पीठ बने, 52 भैरव बने। जब शरीर से शंकर जी के वो सती का शरीर गिर गया, शंकर जी मुक्त होकर के भार रहित होकर के कैलाश पर जाकर के तपस्या करने लगे। जब शंकर जी तपस्या में बैठे उसी समय तारकासुर नाम के असुर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बोलो, बोलो ना तारकासुर, समझना बात। जब श्रेष्ठ व्यक्ति सो जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति समाधि में बैठ जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति कर्महीन हो जाते हैं तो समाज में बुराइयां जन्म ले लेती हैं। तो समाज में शंकर जी सुषुप्त हो गए, समाधि में चले गए, तो बुराई रूप से तारकासुर का जन्म हुआ। उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की, किनकी तपस्या की बहुत तपस्या की। यहाँ शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कैसी तपस्या की, बोले एक पांव पर खड़े होकर के इतनी तपस्या की कि आधे शरीर में घुण लग गई, दीमक, आधे शरीर में, आधे शरीर को दीमक ने खा लिया, केवल हड्डियों में प्राण बचे, तब भी तपस्या करता रहा। ध्यान देना, जितनी तपस्या राक्षसों ने की है ना उतनी तपस्या देवताओं ने नहीं की। तपस्या ज्यादा कितने की, देवताओं ने नहीं, लेकिन पूजा किसकी होती है बोलो, क्या कारण होगा, देवताओं ने भी तपस्या की, दानवों ने भी तपस्या की, लेकिन पूजा होती है देवताओं की दानवों की नहीं। क्यों, क्योंकि दानवों की तपस्या थी तो बहुत अधिक, लेकिन दूसरों को दुख देने के लिए थी। तपस्या थी तो बहुत, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए। ध्यान देना, मेरी बात को बुरा मत मानना। आज के समय में हम भी श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं 80% हमारे श्रेष्ठ कर्म दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। हम भंडारे लगाते हैं, हम जागरण कराते हैं, हमारा बुरा नहीं मानना, जागरण में हम उस मंडली को बुलाते हैं जिसका बहुत नाम हो, जिसका बहुत टेलीविजन में आता हो, भाई उसने भी भजन गाने और दूसरे ने भी, बोलो ना। हमारे पास लोग कथा कराने के लिए आते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि महाराज आप टेलीविजन में आते हो कि नहीं आते, टेलीविजन में आते